जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, कपड़े कई तरह के होते हैं। कोई कपड़ा पतला होता है, कोई कपड़ा मोटा होता है, कोई कपड़ा स्ट्रेचबल होता है। यानी हम कपड़े को पकड़ कर अगर ऐसे खींचते हैं तो कपड़ा ज़्यादा फैलता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेचबल। और भी कई तरह के कपड़े होते हैं दोस्तों, और हर कपड़े पर दोस्तों सिलाई करने के लिए कपड़े के हिसाब से सिलाई मशीन के धागा को अलग अलग हिसाब से सेट करना पड़ता है। कैसे किस कपड़े पर हम सेटिंग करते हैं धागा का दोस्तों, ये सब हम इस वीडियो में जानने और सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक देखना, तभी आप सही से समझ पाओगे। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो दोस्तों, चाहे कोई सा भी कपड़ा हो, कपड़ा चाहे मोटा हो या फिर कपड़ा चाहे पतला हो या फिर कपड़ा आपका स्ट्रेचबल हो, फैलने वाला, चाहे जैसा भी कपड़ा हो दोस्तों, किसी भी तरह के कपड़े पे सिलाई करने के लिए धागा सेट करने का मैं एक आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, जिससे आप किसी भी तरह के कपड़े पे सिलाई करने के लिए धागा बढ़िया सेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम धागा चेक करना जानेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे सिलाई करने के बाद कि हमारा धागा सही आ रहा है कि नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको एक कपड़ा लेना है, और कपड़ा लेके दोस्तों ऐसे एक कपड़ा ले लिया, कोई सा भी टुकड़ा ले लेना है दोस्तों। आप जिस कपड़े पे सिलाई करना चाहते हो उस कपड़े का एक टुकड़ा लेना है और उस पर चला कर चेक करना है, क्योंकि दोस्तों हर कपड़े के हिसाब से धागा सेट करना होता है। इसलिए जिस कपड़े पे आप सिलाई करने का चाहते हो या सोच रहे हो या करने जा रहे हो, उस कपड़े का एक टुकड़ा लेके उस पर एक सिलाई करना है। फिर मैं बताऊँगा कैसे चेक करेंगे धागा को सही है कि नहीं है। सिलाई करने के बाद हम धागा चेक करेंगे। धागा चेक करने के तीन तरीके होते हैं। हम इन तीन तरीकों से धागा चेक करते हैं कि हमारा सिलाई करने के बाद धागा सही आ रहा है कि नहीं। पहला तरीका है, आप सिलाई को ऐसे देखना है, नीचे से नीचे की सिलाई देखना है, ऐसे देखना है कि आपका जो धागा है सिलाई वाला वो ज़रा लूज़ तो नहीं है। और फिर ऐसे ही देखना है, ऊपर की सिलाई को भी चेक करना है कि ऊपर की जो सिलाई का धागा है ये लूज़ तो नहीं है। ये पहला तरीका होता है धागा चेक करने का। और दूसरा तरीका है, हम कपड़े को ऐसे पकड़ते हैं, और ऐसे पकड़ने के बाद जहाँ सिलाई हुई है सिलाई के दोनों साइड ऐसे कपड़े को पकड़ के और कपड़े को ऐसे खींचेंगे। ऐसे खींचने पे हमारा धागा कहीं टाइट तो नहीं महसूस हो रहा है, या फिर खींचने पे धागा कहीं टूट तो नहीं रहा है नीचे का या फिर ऊपर का, दोनों तरह का गेस करेंगे और चेक करेंगे कि धागा टाइट तो नहीं आ रहा है या फिर टूट तो नहीं रहा है, कहीं टूट तो नहीं रहा धागा। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है चेक करने का, जहाँ हम सिलाई किए हैं दोनों कपड़े को पल्ले को ऐसे फैला के, दोनों को फैला के ऐसे चेक करेंगे कि जहाँ हमने सिलाई किया है यहाँ पे धागा ज़्यादा लूज तो नहीं आ रहा है। अगर लूज होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका धागा लूज है, ज़्यादा फैलने लगेगा कपड़ा। ये तीन तरीके हो गए दोस्तों जिससे हम सिलाई चेक करते हैं हमारी सिलाई सही है कि नहीं। अब मैं आपको धागा सेट करने के बारे में बताऊँगा किस तरह से आप जिस तरह का कपड़ा पर सिलाई करने वाले हो, किसी तरह का कपड़े पर सिलाई करने के लिए धागा कैसे सेट करते हैं। जिस तरह के भी आप कपड़े पर सिलाई करने वाले हो उस तरह के कपड़े का एक टुकड़ा लेना है, और टुकड़ा लेके उस कपड़े पे एक सिलाई करेंगे, और सिलाई करके पहले हम देखेंगे हमारा धागा लूज तो नहीं आ रहा है। पहले नीचे का धागा चेक करेंगे कि लूज तो नहीं आ रहा है, और फिर ऊपर का धागा चेक करेंगे लूज तो नहीं आ रहा है। अगर आपका नीचे का धागा लूज आ रहा है, ऐसे करके जब देखेंगे आप ऐसे धागा लूज आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ी सिलाई मशीन के आगे एक टेंशन होता है, और जो काली वाली अम्ब्रेला मशीनें होती हैं उस साइड में यहाँ पे एक टेंशन होता है। सिलाई मशीन में टेंशन का काम होता है नीचे की सिलाई को कंट्रोल करना। अगर आपका नीचे की सिलाई लूज आ रहा है तो आप यहाँ से टाइट करके कंट्रोल कर सकते हो, और टाइट आ रहा है तो यहाँ से आप लूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका नीचे का धागा लूज या टाइट आ रहा है तो आप यहाँ टेंशन से ऐसे हल्का सा, अगर लूज आ रहा है तो टाइट करेंगे हल्का सा, और टाइट आ रहा है तो हल्का सा लूज करके फिर सिलाई करके एक बार चेक करेंगे। जब तक पूरी तरह से नीचे की सिलाई सही नहीं आने लगती तब तक आपको इस टेंशन से अगर धागा लूज आ रहा है तो हल्का हल्का टाइट करना है, और टाइट आ रहा है तो हल्का हल्का लूज करके और चला चला के आपको सही तरीके से धागा सेट करना है। और अगर आपका ऊपर की सिलाई का धागा लूज आ रहा है या फिर टाइट आ रहा है तो आप बॉबिन से, जो नीचे हमारी सिलाई मशीन की बॉबिन लगी होती है ये बॉबिन, इससे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक नट होता है, इस नट से अगर आपके ऊपर की सिलाई टाइट आ रही है तो इस नट को हल्का सा ढीला करना है, और ऊपर की सिलाई ढीला आ रहा है, लूज आ रहा है तो यहाँ से आपको हल्का सा टाइट करना है, और ऐसे करके आपको ऊपर का धागा सेट करना है।
एक बार करके हल्का सा यहाँ से टाइट लूज करके एक बार सिलाई करके फिर चेक कर लेना है आपको, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा आप फिर हल्का सा टाइट लूज करके एक बार और सिलाई करके चेक कर लेना है। जब तक दोस्तों आपके ऊपर की सिलाई सही नहीं आने लगती है तब तक आपको बॉबिन के इस नट से हल्का सा लूज टाइट कर करके और सिलाई कर करके चेक करते रहना है, सेट करना है जब तक आपकी सिलाई ऊपर वाली सही नहीं आने लगती है तब तक। और जब दोस्तों हमारी नीचे और ऊपर दोनों सिलाई, ये देखिए ये ऊपर की सिलाई और ये नीचे की सिलाई, जब दोनों सिलाई दोस्तों सही आने लगती है तब इसको आप ऐसे पकड़ लेना है कपड़े को, जो हमारी सिलाई है सिलाई के दोनों तरफ से कपड़े को ऐसे पकड़ के और ऐसे खींच के चेक करना है कि आपकी सिलाई कहीं टूट तो नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा टाइट हो जाता है तो फिर धागा टूटने लगता है, नीचे और ऊपर दोनों कहीं भी टूट सकता है। तो आप चेक कर लें कि आपका कोई धागा टूट तो नहीं रहा है, अगर टूट रहा होगा तो दोस्तों आपका धागा टाइट हो गया होगा, अगर नीचे का धागा टूट रहा होगा अपना टेंशन से हल्का सा ढीला कर लेना, और ऊपर का धागा टूट रहा होगा तो हल्का सा बॉबिन से धागा ढीला कर लेना। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी कपड़े पे किसी तरह के भी कपड़े पे बिल्कुल आसानी से सिलाई करने के लिए धागा सेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको सीखने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है और जाके देखिए और सीखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टिचिंग कटिंग प्रिपेयरिंग लर्न ऑल स्किल्स ओनली ऑन सांगम इंडस्ट्रीज। सब्सक्राइब नाउ।